अब 2022 भी बस कुछ दिनों में खत्म होने जा रहे हैं। एंड भाई, ये साल में ना गेमिंग को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। मैं और एलजी स्नो आज आपको 2022 के इंडियन गेमिंग और स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स के बारे में बताएंगे। 14 फरवरी 2022 और 28 जुलाई 2022। नहीं, मैं किसी के बर्थडे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये डेट्स में इंडिया के दो फेवरेट गेम्स फ्री फायर और BGMI इंडिया में बैन हो गए थे। दोनों गेम्स को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते बैन किया था। हालांकि BGMI तो जुलाई 2021 में एंड्रॉइड और अगस्त 2021 में iOS के लिए आया था। फर्स्ट एनिवर्सरी भी पूरी नहीं होने दी यार। है, दोनों गेम्स अभी भी बैंड है, पर कहा जा रहा है कि एक गेम बहुत जल्दी वापसी करेगा। आपको क्या पता है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आप कौन सा वीडियो एडिटर यूज करते हो। देखो, मैं कहूंगा अगर आप कंटेंट बनाते हो ना, तो यूज करो वंडरशेयर फिल्मोरा एडिटर, जो कि बहुत ही इजी टू यूज है। और आपको एडिटिंग की कोई नॉलेज नहीं है ना, तब भी इससे बहुत जल्दी सीख जाओगे। मतलब आप बेसिक फीचर्स तो सभी यूज कर सकते हो, लाइक कलर ग्रेडिंग, करेक्शन, ऑडियो इफेक्ट्स, एंड फिर इसमें ढेरों स्टॉक वीडियोस भी आ गई हैं जिन्हें आप वहीं से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। उसके अलावा भी एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि मोशन ट्रैकिंग, स्पीड रैंपिंग एटसेट्रा। अभी तीन जो बेस्ट फीचर्स लगे मुझे वो है एनहांस की फ्रेमिंग का, जिसमें आप क्लिप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की फ्रेम्स लगा सकते हो। लाइक मेरे को क्लिप के एंड में फेड होते हुए दिखानी है, तो मैं स्टार्टिंग में ब्राइटनेस और एक्सपोजर पे की फ्रेम लगा दूंगा और एंड में आते आते उसे बिल्कुल जीरो कर दूंगा। तो ऐसे बन गई एक सिंपल सी फेड एनिमेशन। कलर प्रॉपर्टीज के अलावा पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन पे भी की फ्रेम्स लगाए जा सकते हैं। फिर एडजस्टमेंट लेयर्स भी आ गई हैं, जिसमें आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन पे डाल दो और अब मल्टीपल क्लिप्स पे एक साथ इफेक्ट्स लगा सकते हो, लाइक कलर या फिर कुछ और। उसके अलावा आप मास्क भी बना सकते हो, फिर चाहे वो सिंपल शेप्स हो या फिर पेन टूल से कॉम्प्लेक्स मास्क बनाना। सो आपकी सभी वीडियो एडिटिंग नीड्स को ये फुलफिल कर देगा, वो भी आपके बजट में। तो आज ही इसे ट्राई करो फॉर फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। जहाँ मोबाइल गेमर्स का दुख खत्म नहीं हो रहा, वहाँ पीसी गेमर्स जश्न मना रहे थे, क्योंकि ये साल वेलोरेंट ने अपना इंडियन एजेंट रिलीज किया। वरुण बत्रा एके हार्बर वेलोरेंट का 21st एजेंट है। बस यही नहीं, बल्कि रायड गेम्स ने इंडिया में अपना पहला कम्युनिटी इवेंट भी कराया, द न्यू वेव हार्बर कम्युनिटी इवेंट। ये इवेंट 15 अक्टूबर को मुंबई के फेमस स्टूडियोज में कराया गया, जहां इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ने अपने इंडियन एजेंट हार्बर को सेलिब्रेट किया। तन्मय भट्ट, अभीश मैथ्यू, ओशियन शर्मा और मांबा इस इवेंट के होस्ट थे और अंकित पंत हार्बर बने थे। एक इनवाइट ओनली 5v मैच खेला गया बिटवीन फेमस कंटेंट क्रिएटर्स एंड स्ट्रीमर्स। और इवेंट के अंत में ARB4, डायनास और मंगल ने हार्बर का थीम सॉन्ग राजा को लाइव प्ले किया। इन शॉर्ट, फैंस को बहुत मजा आया। ये साल इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा, जब हमें पता लगा कि पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर अभ्युदय मिश्रा एके स्काई लॉर्ड, जो अपने फ्री फायर कंटेंट के लिए मशहूर थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। स्काई लॉर्ड की डेथ मध्य प्रदेश में एक रोड एक्सीडेंट में हुई, जहां वो बाइक टूर करने गए थे। रेस्ट इन पीस स्काई लॉर्ड, वी मिस यू। इंडिया की डोटा 2 की टीम ने देश का तिरंगा लहराया था 2022 के कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। न्यूजीलैंड की टीम को 2-0 के स्कोरलाइन से हरा के टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम कराया। कैप्टन मोइन इजाज की टीम में केतन गोयल, अभिषेक यादव, शुभमन गोली और विशाल ने कमाल के गेमप्ले का प्रदर्शन करके जीत हासिल करी और 2022 सारी स्पोर्ट्स फैंस के लिए यादगार बना दिया। इंडियन गेम डेवलपर सुपर गेमिंग ने ये साल अपना बैटल रॉयल गेम इंडस को रिवील किया। सुपर गेमिंग ने इंडस का ट्रेलर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी शोकेस किया था। इसके अलावा साल में हमें इंडस के दो कम्युनिटी प्ले टेस्ट भी देखने मिले, जो इंडिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था, जहां इंडियन फैंस ये गेम का प्ले टेस्ट का हिस्सा बन सकते थे। इंडस का आखिरी प्ले टेस्ट कॉमिकॉन बैंगलोर में हुआ, जहां बैटल रॉयल के फैंस ने ये मेड इन इंडिया गेम का लुत्फ उठाया। ऑल्सो हम एक्सक्लूसिवली कंफर्म कर सकते हैं कि सुपर गेमिंग लायंस गेट प्ले जैसे OTT प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं टू मेक अ शो ऑन इंडस। मजा ही आ जाएगा यार अगर ये हो गया तो। अगर बात हो रही है इंडियन गेम डेवलपर्स की, तो मेहम स्टूडियोज को कौन भूल सकता है? जी हाँ, वो ही मेहम स्टूडियोज जिन्होंने अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स की घोषणा की थी। अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स भी एक इंडियन बैटल रॉयल गेम है। मेहम ने इसका रिवील काफी कूल तरीके से किया था, एक ड्रोन शो के साथ, जहाँ पे इंडिया के गेमिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स और ई स्पोर्ट्स एथलीट्स इन्वाइटेड थे। हालांकि मे में हुए अनाउंसमेंट और प्री रजिस्ट्रेशन के बाद अभी तक गेम नहीं आया, बट कुछ भी कहो, ये गेम की हाइप आज भी काफी ज्यादा है। इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2020 में अनाउंस हुए गेम मुंबई गलीज, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम्स में से एक है, जिसके डेवलपर्स और पब्लिशर्स हैं मुंबई बेस्ड गेम योन स्टूडियोज, ने ये साल के IGDC में मुंबई गलीज का गेम प्ले पब्लिक किया। एज इन IGDC 2022 में पार्टिसिपेंट्स मुंबई गलीज ट्राई कर पाए। मुंबई गलीज को GTA स्टाइल इंडियन गेम भी कहा जाता है, जो PC के लिए बना है।
अप्रैल 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स फॉर्म करी AVGC सेक्टर के लिए। AVGC का फुल फॉर्म होता है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स। ये टास्क फोर्स को रिकमेंडेशंस देने का काम करना है ताकि कंट्री कैपेबल बन सके टू सर्व डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। और तो और मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि इंडिया के पास पोटेंशियल है टू कैप्चर 5% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर इन AVGC सेक्टर बाय 2025 और 25-30% एनुअल ग्रोथ के साथ 160,000 जॉब्स भी एनुअली क्रिएट करने का अनुमान लगाया था। जियो ने ये साल अपनी क्लाउड गेमिंग सर्विस लॉन्च करी। जियो ने ये सर्विस लॉन्च करी है ताकि वो फाइनेस्ट गेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाए इंडियन गेमर्स को। जियो गेम्स क्लाउड ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप भी करी है ताकि उनका प्लेटफॉर्म GeForce Now की टेक्नोलॉजी में फंक्शन कर पाए। फिर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक जो एक एक्शन एडवेंचर गेम है, ये साल के रिलीजेस में वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम था। और जब गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक इंडियन मार्केट में रिलीज हुआ तो स्टोर्स के सामने कुछ ऐसी लाइन लगी हुई थी। इससे पता लगता है कि इंडिया में एक प्लेस्टेशन गेम की भी कितनी ज्यादा हाइप थी। अब हाँ, ऑब्वियसली अगर गॉड ऑफ वॉर के गेम की हाइप नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। ये तो बात हो गई इंडियन इंडस्ट्री की, पर आपको जानना है कि ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है। पिक अ नॉट उस पर भी वीडियो जल्दी आएगी एंड अगर आ चुकी है तो आपको लेफ्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिप।